भारत दोस्तों, पेपर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, उसी में हम बात करेंगे। पेपर सेकंड के थर्ड यूनिट में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कभी शॉर्ट में, कभी लॉन्ग में, कभी वेरी शॉर्ट आंसर में। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि की प्रकृति और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को यहाँ पर समझा जाएगा कि बुद्धि क्या होता है और इसकी विशेषताएँ और इसकी प्रकृति क्या होती है। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलिजेंस एंड डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। बुद्धि किसे कहते हैं? देखिए, बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लगभग सबको पता होगा, मगर हाँ, बात जब लिखने की आती है तो थोड़ी सी समस्याएं होती है। तो बुद्धि क्या है भाई? बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि क्या है भाई? एक मेंटल पावर है, ठीक है, मानसिक शक्ति है जो वस्तु तथा तथ्यों को, जो फैक्ट को अंडरस्टैंड समझने में सहायक होती है, और इसमें तर्कपूर्ण ज्ञान मतलब सोच समझने की, किसी चीज़ को आप कैसे सोचेंगे समझेंगे, इससे ऐसे ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। तो बुद्धि क्या है दोस्तों? बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। ओके, बात करते हैं, यह भावना से अलग होती है। भावना से अलग होती है का क्या मतलब? यह फीलिंग से अलग होती है। फीलिंग और इसका कोई मतलब नहीं है। फीलिंग इज ऑल अबाउट योर हार्ट, योर दिल, यू नो, भावनाएं, दिल, ये सारी एक चीज़ होती हैं, और बुद्धि का मतलब होता है आपके दिमाग से, ठीक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि कोई भी फैसले दिल से ना लिया करो, अपनी भावनाओं से ना लिया करो, फैसले अपने दिमाग से लिया करो, क्योंकि जब दिल के फैसले और दिमाग के फैसले आपस में टकराते हैं तो अक्सर दिल के फैसले हार जाते हैं। वो एक क्या, एक लड़के ने शेर कहा था कि मैंने उससे मोहब्बत की थी दिल से, उसने अपना दिमाग लगा दिया और छोड़ के गई मुझको, और मुझ पे ही जाम लगा दिया। तो भाई होगा ही ना, जब तुम दिल से फैसले लोगे तो अक्सर हार ही जाओगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि गालिब, मोहब्बत में दिमाग का जोर कहाँ, ये तो दिल से दिल का मामला है, दिल में हो जाता है। तो बात दिल और मोहब्बत से जरा अलग निकलिए भाइयों बहनों, और चलिए आइए पढ़ाई की बात करते हैं, बुद्धि को समझते हैं। तो बुद्धि को समझिए यहाँ पे मोहब्बत से थोड़ा अलग होके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो बुद्धि भावनाओं से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता प्रदान करती है। तो बुद्धि क्या करती है? आपको नई परिस्थिति को ठीक से समझने करती है। कोई नई समस्या आ गई, कोई नया सिचुएशन आ गया, कोई नई परिस्थिति आ गई, तो कब कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, इसमें आपकी बुद्धि सहायता करती है, ठीक है। तो बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जाता है। कोई जर्नलिस्ट मोस्टली देखते हैं एक छोटी सी सूचना को कैसे वो बताते हैं, कैसे फैलाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो आप किसी चीज़ को कैसे बताते हैं, ये आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो सुबुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। तो ये हो गया बुद्धि दोस्तों। अब इसकी परिभाषा कुछ देख लेते हैं। तो वो जो आसान से परिभाषा, जो इजी समझा जा सके, उसको परिभाषा यहाँ पे मैंने चार विद्वानों के द्वारा यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है। तो पहला परिभाषा गॉल्टन महोदय के अनुसार, इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। क्या है भाई? इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेलेक्शंस। बुद्धि रहेगा तभी आप किसी चीज़ में विभेद कर सकेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा खराब है, और सही को आप सेलेक्ट करेंगे, खराब को आप छोड़ देंगे। तो गॉल्टन महोदय ने आसान सा आपको डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया कि बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। द इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सेलेक्शन। दूसरा स्टर्न महोदय ने क्या कहा? स्टर्न महोदय के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू अ न्यू सिचुएशंस। जो डेफिनेशन पिछले बताए गए चीजों से संदर्भ करती हैं, उसी डेफिनेशन को आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। तो गॉल्टन महोदय ने कहा था कि बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है, और स्टर्न कहते हैं कि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू अ न्यू सिचुएशंस। तीसरा देखते हैं टर्मन ने क्या कहा था कि अमूर्त वस्तुओं का मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो मूर्त अवस्था है, मतलब आपके सामने प्रदर्शित नहीं है, बाहर की चीज़ें हैं। तो अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। द इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कोई ऐसी चीज़, मान लीजिए इसके बाद क्या होगा, कौन सी समस्या आ सकती है, इसका क्या प्रभाव होगा, तो सोच विचार करने की क्षमता ही क्या है, वो बुद्धि है। तो इसी को टर्मन महोदय ने कहा कि
कि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी टू कैरी आउट अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इसका मतलब एक ये भी होता है कि टर्मन के अनुसार बुद्धि समस्याओं को हल करने की योग्यता है। ठीक है, कौन सी समस्या होगी तो उसको आप हल कर सकते हैं। हम चौथा और लास्ट एक डेफिनेशन देखते हैं, बिने। इंग्लिश में इसको बिनेट लिखा गया है, यहाँ पे टी साइलेंट है तो इसको बिने पढ़ा जाता है। तो बिने के अनुसार बुद्धि तर्क निर्णय एवं आत्मलोचन की योग्यता एवं क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रीजन वेल, टू जज वेल एंड बी सेल्फ क्रिटिकल। बिने महोदय के अनुसार क्या है भाई, बुद्धि तर्क निर्णय एवं आत्मलोचन की योग्यता एवं क्षमता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू रीजन वेल टू जज एंड वेल टू बी अ सेल्फ क्रिटिकल। तो ये सेल्फ क्रिटिकल का मतलब आत्म आलोचना की योग्यता है बुद्धि। तो ये दोस्तों चार डेफिनेशंस आप चारों के चारों याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है। और एटलीस्ट तीन तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि तीन में है ही क्या, बुद्धि सोच विभेद करने और चयन करने की क्षमता है, नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता है, और क्या अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार की क्षमता है। तो आप प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों, इसको इसकी प्रकृति और इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी प्रकृति और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुद्धि की प्रकृति क्या है। आप स्वयं बताइए कि बुद्धि की प्रकृति पहले क्या हो सकती है, कि बुद्धि अनुभव के आधार पर सीखने की एक मानसिक योग्यता है, एक मेंटल एबिलिटी, मेंटल आपकी क्या है, पावर है। इंग्लिश में लिखा गया है इंटेलिजेंस इज द मेंटल एबिलिटी टू लर्न बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर सीखने की योग्यता है। बुद्धि समस्याओं के समाधान खोजने में सहायक होती है। इंटेलिजेंस इज द हेल्पफुल इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बुद्धि पर्यावरण के साथ असमंजस स्थापित करने वाली मानसिक योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द मेंटल एबिलिटी टू बी इन द हार्मोनी विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और बुद्धि के अधिगम एवं अर्जित ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करने की योग्यता है। आपके पास बुद्धि है तो ही आप अपने ज्ञान को अगले परिस्थिति में यूज़ कर पाएंगे। तो इसी को लिखा गया है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न एंड यूज द एक्वायर्ड नॉलेज इन अदर सिचुएशंस। छठा देखते हैं दोस्तों, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस, आपके अनुभव से आपको क्या लाभ मिलेगा। संबंधों को समझने की योग्यता, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप समझना इतनी आसान नहीं होना, ये इतनी आसान चीज़ें नहीं होती। ठीक है, और आठवां है दोस्तों, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। इंटेलिजेंस इज द इनिटेट पावर ऑफ अ पर्सन, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थिति और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि सिंप्लीफाइज अ पर्सन डिफिकल्ट सिचुएशन एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी ये सिंप्लीफाई कर देती है, जटिल एवं कठिन परिस्थिति को भी आसान बना देती है आपकी बुद्धि। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही क्या है, बुद्धि की प्रकृति है कि इस पर वंशानुक्रम और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसको और डिटेल्स में जब देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि बुद्धि को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि देर इज़ एन इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन इंटेलिजेंसी और इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बुद्धि व्यक्ति के भले बुरे और सत्य, ये तो बहुत अच्छा समझ जाइए इसको, कि बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। तो क्या है भाई, बुद्धि विजडम मतलब आपकी इंटेलिजेंस गिव्स अ पर्सन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, ट्रू एंड फॉल्स, मोरल एंड इमोरल एक्शंस। तो आपको ये मैंने आपके सामने 11 इसकी प्रकृति और विशेषताएं रखी है, जो कि काफ़ी आसान है। इसको समझ जाइए, जो भी चीज़ें आपको एग्जाम में याद आएँ आप उसको लिख दीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, आपके इंटेलिजेंट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। किसी बच्चे का वंशानुक्रम कैसा है, उसकी परवरिश कैसी है, उसके पूर्वज कैसे हैं, इस बात पर भी उसकी बुद्धि डिपेंड करती है। उसका इन्वायरमेंट कैसा है, इस बात पर भी उसकी बुद्धि डिपेंड करती है। और दूसरा आता है दोस्तों उम्र, यानी कि एज। वो अक्सर बूढ़े लोग कहते हैं, अक्सर बड़े लोग, कि हमने ऐसे धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, मतलब हमारे अनुभव से हम इतने उम्र के हो गए, हमारा अनुभव है, हम तुमसे ज़्यादा बुद्धि रखते हैं, हम तुमसे ज़्यादा समझ रखते हैं। मगर देखिए ऐसी कोई बात नहीं है,
ये जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें होती हैं, मगर ये सर्वन सत्य नहीं है। ये कोई सत्य नहीं है कि जो बच्चे की एज कम हो वो कम बुद्धिमान होगा, बच्चे की एज ज़्यादा हो वही ज़्यादा बुद्धिमान होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें भी होती हैं, हम इसको मना नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात आती है नेशनैलिटी एंड रेस। अब देखिए यहाँ भी डिबेटेबल टॉपिक है, अब यहाँ भी आप झगड़े की बात होगी कि अब कोई कह दे कि नहीं जाति से भी निर्भर करता है बुद्धि, ये कैसे पॉसिबल है कि कौन कौन सी जाति का, लेकिन ऐसा माना जाता है। लेकिन हर एक चीज़ें बदल सकती हैं आपके अनुभव से, आपके परिश्रम से, आपके ज्ञान से, आपके अध्ययन से। बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना अध्ययन करेंगे उतना ही आपकी बढ़ेगी, आप जैसे इसको हासिल करेंगे आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। मगर हाँ, ये मानना है कि जाति और राष्ट्रीयता भी बुद्धि को प्रभावित करती हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर एशियन कंट्री इंडिया, जो भी एशियन हमारी कंट्री है, मोस्टली इंडिया से लोग, ये ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो भी अगर फॉरेन में कभी जॉब करता हो ना, यूरोप में, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, अगर गल्फ कंट्री में दुबई, अबू धाबी, शारजहाँ, तो यहाँ के लोगों को पूछिएगा कि ये इंडियन को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जुगाड़ करके, अपने दिमाग लगा के, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं आपकी राष्ट्रीयता और आपके आप जाति को। आई एम नॉट गोना से कि सच में जाति यहाँ पे मैटर करता है, बट हाँ राष्ट्रीयता मैटर करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कल्चर, संस्कृति की। आपकी संस्कृति में आपकी परवरिश कैसी हुई है, सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी बुद्धि को प्रभावित करती हैं। दूसरा, आपका हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। सही बात है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है, ठीक है। तो आपका शरीर स्वस्थ है तो आपकी बुद्धि स्वस्थ होगी, आप अच्छे से सोचेंगे, ठीक है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप बीमार नहीं है, तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। और सबसे एक पॉइंट यहां पे मैं बता दूं, सेक्स और लिंग जेंडर की बात की जा रही है, लोगों का मानना है कि जेंडर भी प्रभावित करता है। जेंडर मतलब मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर, बट आई डोंट सपोर्ट दिस रियली। तो मैं इसे नहीं बताऊंगा और मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि जेंडर इस पर प्रभाव करता है, क्योंकि लड़का या लड़की किसी भी मामले में फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसका जेंडर क्या है, बुद्धि मुझे नहीं मान। लेकिन हाँ यार, किताब में था इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया कि जेंडर, लेकिन आई एम नॉट गोना से दिस कि जेंडर भी, ये आपका लिंग भी प्रभावित करता है आपकी बुद्धि को। मगर मेरा मानना है कि चाहे लड़का हो या लड़की, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बुद्धि कितनी है, वो इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसकी मेहनत कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी है और वो किस हद तक सोच सकती है। तो अगर कोई बुद्धिमान है तो बस इस बात से बुद्धिमान नहीं है कि वो लड़का है, और कोई कम बुद्धिमान है तो इस बात से कम बुद्धिमान नहीं कि वो लड़का है। तो जेंडर आई एम नॉट गोना सपोर्ट हियर, बट हाँ किताब में ये चीज़ें थी, मगर आप जानिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, बट लेट इसकी पीड। ओके, अगली बात कर लेते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशनल, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अब सामाजिक स्थिति क्या है, अब मान लीजिए आपके घर में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, टेंशन चल रही है, कोर्ट, FIR, ये चीज़ें, तो उससे कहाँ दिमाग करेंगे, इंसान इतना उलझा रहता है। इकोनॉमिकल कंडीशन, घर में इतनी परेशानी है, खाने की दिक्कत, ये दिक्कत, तो उससे कहाँ दिमाग चलेगा। तो वही बात है कि आपकी बुद्धि को ये बिंदु प्रभावित करते हैं। इसमें एक चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि ये चीज़ें किताब में थी इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ें दोस्तों बुद्धि को प्रभावित करती हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि बुद्धि को यानी कि इंटेलिजेंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और साथ ही साथ हमने इनकी विस्तृत विशेषताएं देखी। आप भी इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और इस अगर एग्जाम में से आए तो इसमें से ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ हमने देखा कि बुद्धि की चार परिभाषाएँ देखी आसान शब्दों में, और साथ ही साथ बुद्धि का अर्थ समझा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है बुद्धि और इंटेलिजेंस के बारे में आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं सीरियसली वो बीच में जो प्यार और मोहब्बत, ये सब मजाक की चीज़ें थी ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, एंटरटेनमेंट लगे, आप जुड़े रहे इससे, इसलिए मैंने वो कहा, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बाकी मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट में मुझे फीडबैक बताएंगे कि वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझे फीडबैक देते हैं, आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सभी का एहसान है, आपके फीडबैक मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। जब आप कोई फीडबैक देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो बच्चों की तरफ से भी रिस्पांस आ रहा है, तो वो मुझे एक नई मोटिवेशन देते हैं, वो मुझे और प्रोत्साहित करते हैं कि मैं और अच्छे वीडियोस उनके लिए लेके आऊँ, नए नए टॉपिक पे वीडियोस लेके आऊँ, तो इसलिए मैं आपके सामने ये अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई आप सबके साथ इस पॉइंट पर बात करके, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि बुद्धि किसे कहते हैं और इसकी प्रकृति और इसकी विशेषताएं क्या हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करके अगर चैनल से जुड़ते हैं तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, सी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।